उसे यह विषय बड़ा ही रोचक लगा। गैलीलियो ने उसी क्षण फैसला किया कि वह अब चिकित्सा विज्ञान छोड़कर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ेगा। उसने पूरी साल मन लगाकर पढ़ाई की, पर उसे परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इसका कारण यह था कि उसने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी। गैलीलियो अपने फ्लोरेंस नगर लौट आया। एक दिन उसे बचपन में देखी लैंप हिलने वाली घटना की याद आई। उसने सोचा कि लैंप की हांडी के उस तरह हिलने का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उस कारण को तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की। इससे गैलीलियो को पूरी इटली में बड़ी ख्याति मिली। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने दो बातें सिद्ध की। पहली यह कि यदि घड़ी में कोई चीज़ पेंडुलम लगाई जाए तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक के साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो समझ लो वह रुकने वाली है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है, उसमें फिर से चाबी भरनी है। दूसरी बात यह सिद्ध कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। यह कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है कि यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज़्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। मानव शरीर की चिकित्सा के संदर्भ में गैलीलियो की यह खोज बड़ी ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली। बच्चों, आपको कहानी कैसा लगा? एक गरीब बच्चा इटली में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की, एक वैज्ञानिक बना।